चलिए आज हम लाए हैं आपकी डिमांड पर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंतर्गत एक नया टॉपिक लंबित वाद का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस। संपत्ति अंतरण अध्ययन की धारा 52 में लंबित वाद में प्रवर्तित एक निश्चित सूत्र के बारे में व्यक्त किया जाता है। यह सूत्र है पेंडेंट लाइट नील इनोवेट्स, यानी पेंडिंग लिटिगेशन नो न्यू थिंग बी इंट्रोड्यूस्ड। अर्थात जिस समय वाद की अवधि चल रही है उसमें किसी नई बात का समावेश नहीं किया जाएगा। इस प्रकार लंबित वाद का सिद्धांत उस स्थिति को कहते हैं जिसमें किसी वादग्रस्त भूमि या अन्य अचल संपत्ति का अंतरण मुकदमे के दौरान किया गया हो, जिससे कि वाद के परिणाम पर विपरीत प्रभाव या विफल होने की आशंका हो। इस सिद्धांत द्वारा ऐसी संपत्ति खरीदारों को आगाह यानी सचेत कर दिया जाता है कि उनका हित न्यायालय की डिक्री के मातहत ही रहेगा। वाद में जो कुछ भी फैसला होगा उसका प्रभाव उस खरीदार पर भी पड़ेगा, चाहे उसे मुकदमे में पक्षकार बनाया गया हो अथवा नहीं। वाद का प्रभाव एवं विस्तार उस खरीदार तक भी मान लिया जाएगा, इसलिए इसे लंबित वाद का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत का उद्देश्य होता है कि न्यायालय में जब वाद चल रहा हो तो वाद का कोई पक्षकार विवादित संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकेगा, और दूसरा उद्देश्य यह भी है कि न्यायालय के विचाराधीन वाद में किसी प्रकार बदलाव नहीं लाना है, अतः अंतरण पर प्रतिबंध लगाना है। साथ ही साथ एक ही अधिकार के न्यायालय में प्रवर्तन करने के लिए बार बार नए सिरे से वाद नहीं लाना पड़े, यह उद्देश्य धारा 52 में लंबित वाद के सिद्धांत के हैं। आगे हम पर लंबित वाद के आवश्यक तत्व ये धारा 52 में दिए गए हैं, जो कि यहां पर है। पहला तत्व है किसी न्यायालय में कोई वाद लंबित होना चाहिए। इस धारा को लागू होने के लिए आवश्यक है कि कोई वाद या कार्रवाई न्यायालय में विचाराधीन होनी चाहिए। किसी वाद का लंबित या विचाराधीन होना उस दिन से माना जाएगा जिस दिन से सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में संपत्ति का वाद प्रस्तुत किया गया था, और इस प्रकार का वाद या कार्रवाई उस समय तक न्यायालय में विचाराधीन समझी जाएगी जब तक कि उस वाद की कार्रवाई की समाप्ति अंतिम डिक्री या आदेश नहीं हो गई हो। दूसरा यह तत्व है सक्षम न्यायालय। इस वाद के लिए दूसरी आवश्यक बात यह है कि वाद या कार्रवाई ऐसे किसी न्यायालय में लंबित होनी चाहिए जिससे उस वाद या कार्रवाई के संबंध में सक्षम क्षेत्राधिकार प्राप्त हो। तीसरा आवश्यक तत्व वाद द्रव्य संघ पूर्ण यानी कॉलेशन पूर्ण नहीं होना चाहिए। तीसरा शर्त यह है कि यह सिद्धांत तभी लागू होता है जब संबंधित पक्षकारों के बीच कोई सार्वभौमिक अधिकारों की स्थिति विचाराधीन हो, जिसको सिद्ध करने के लिए दोनों पक्षकार वास्तविक एवं ईमानदारी के साथ मुकदमा लड़ रहे हों। यदि दोनों के मध्य वाद किसी करार या समझौते के परिणाम स्वरूप झूठ मूठ या न्यायालय का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देने के उद्देश्य से चल रहा है तो वह द्रव्य संघ वाद कहा जाता है। आगे इसमें चौथा संपत्ति में अधिकार प्रतिष्ठा या विशिष्टता विचाराधीन हो। इसका मतलब यह है कि इस वाद के अंतर्गत एक अचल संपत्ति जो विवादित हो तथा आसानी से जानी जा सके तभी लंबित वाद का सिद्धांत लागू हुआ। यहां पर संपत्ति का पहचाना जाना आवश्यक है। यदि वाद पत्र में संपत्ति का विवरण गलत दिया गया है लेकिन फिर भी संपत्ति को पहचाना जा सकता है तो यह सिद्धांत लागू होगा। आगे पांचवा तत्व है इसमें संपत्ति का अंतरण होना चाहिए या अन्य रूप से निस्तारित किया गया होना चाहिए जबकि कोई बात न्यायालय के विचाराधीन हो। इस सिद्धांत को लागू होने के लिए आवश्यक है कि वह संपत्ति का अंतरण या अन्य प्रकार से निस्तारण वाद या कार्रवाई के पक्षकारों के द्वारा होना चाहिए। ऐसे अंतरण विक्रय पट्टा बंधक विनिमय आदि हो सकते हैं। विवादित संपत्ति का अंतरण मुकदमे के पक्षकार द्वारा ही किया जाना आवश्यक है। यदि विवादित संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अंतरित की गई है जो मुकदमे का पक्षकार नहीं है वहां पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। आगे इसमें छठवां तत्व है
वादग्रस्त संपत्ति का अंतरण वाद के दूसरे पक्षकार के अधिकार को प्रभावित करे। लंबित वाद का सिद्धांत तभी लागू होता है जब पक्षकार द्वारा किया गया अंतरण दूसरे पक्ष के हित पर किसी न किसी तरह प्रभाव डाले जो कि न्यायालय के निर्णय के बाद उससे संभव हो। यदि ऐसा अंतरण विरोधी पक्ष के हित पर कोई विपरीत प्रभाव न रखता हो तो यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। ठीक है, ये टॉपिक पूरा हुआ। आगे नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो में। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आगे दी जाने वाली हर जानकारी आप तक पहुंच सके। थैंक यू।